मेरा बस बने YouTube सर चैनल जी। चंदू बाबा वायरल शॉर्ट्स में आपका स्वागत है। मेरा नया नया वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। देखिए मेरा इस ब्लॉगिंग वीडियो में क्या अपडेट लेके आया हूँ, देख सकते हैं दोस्तों इस क्या क्या कर प्याज रहा हूँ। दिस इज मिर्चा और लहसुन और कुछ ना जाने चाहिए। अब मैं तेल में डालने जा रहा हूँ। ब्लॉगिंग वीडियो में देखें कैसे मैं डाल रहा हूँ, देख सकते हैं प्याज मैंने डाल दिया, बारीकी से कटा हुआ है और लहसुन भी डाल देगा। लहसुन डालेंगे डालेंगे, रुको जरा सब्र करो, बाद में डाला जाएगा, देख सकते हैं। प्याज जले नहीं बोल के अब प्याज डालने नॉन वाले डाला हैं। है, देख सकते हैं नॉन डाल दिया। हम नॉन नहीं जानते हैं, नमक जानते हैं। धीमे 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 चला देंगे, धीमे धीमे ना अच्छी तरह से धीमा आंच में, जो कि मेरा प्याज सुरक्षित रहे, जले ना। इसी तरह का इंटरेस्टिंग वीडियो आपके पास मिलता रहेगा, जो कि हमारा चैनल जो जो सब्सक्राइब करके रखे हैं उसके पास अपडेट पहुंच जाएगा। जो भी हमारे वीडियो में नए हैं, हम ये लहसुन डाल दिए दोस्तों। तो दोस्तों ऐसे ही हमारे वीडियो को शेयर करें, फॉलो करें और हम ऐसे बनाते रहते हैं दोस्तों। और हमारा ये जो है वीडियो को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें और शेयर करना, ताकि हमारा हौसला बढ़े और हम ऐसे वीडियो लाते रहेंगे आप लोगों के लिए। और आप ना घर में भी ट्रायल कर सकते हैं खुद का कुकिंग, कि कितना सुरक्षित बना पाए हैं, खाने में कितना अच्छा लगा, कितना सही लगा, कमेंट करके बताएं। और जो भी नए हैं इस वीडियो में, घंटा के साथ सब्सक्राइब का बटन भी दबा दें। तो दोस्तों इसमें हम फाइनली डाल दिया है प्याज और ये क्या बोलते हैं मिर्ची और जो लहसुन जो काटा हुआ था ये थाली में हम इसमें निकाल के डाल दिए हैं। और ये रहा हमारे चंदन भाई, ये भी कुछ वीडियो बना रहा है, इसका भी क्या चैनल है, चैनल का नाम बोलो, चंदू बाबा वायरल शॉर्ट्स में आप लोग जाएं और सब्सक्राइब करें और घंटा जरूर दबाएं और हम वीडियो को शेयर जरूर करें। यहाँ पे देखिए हम रास्ता रखें, अभी इतना ताबड़तोड़ मेहनत करते हैं, इस मेहनत बना रहे इसके लिए आप लोग भी सपोर्ट करें। प्याज हमारा पक के तैयार हो चुका है, देख सकते हैं अब इसमें मोर मसाला दिया जाएगा। तो दोस्तों फाइनली हमारा प्याज हो गया पक के रेडी हो गया। हम इसमें डालेंगे थोड़ा हल्दी, हल्दी डाल देने के बाद हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा जीरा पाउडर, ज़्यादा मसाला हम यूज नहीं कर रहे हैं दोस्तों, ज़्यादा मसाला इसमें यूज मत करो आप लोग भी, टेस्टी बर्बाद हो जाएंगे। हम थोड़ा सा हल्दी पाउडर डाल दिया, थोड़ा सा जीरा पाउडर डाल दिया है ताकि हमारा हल्दी अच्छी से पक जाए, और जीरा, और हम इसमें डाल देते हैं थोड़ा सा पास्ता मसाला। ये देख सकते हैं दोस्तों ये रहा हमारा पास्ता मिक्स मसाला, जो कि हम इसमें डालने वाले हैं। आप लोग दुकान से ले लीजिएगा दोस्तों, हम पूरा डाल देंगे क्योंकि हमारा ज़्यादा है। अगर भी आपका कम रहेगा तो आप थोड़ा कम यूज़ कीजिएगा पास्ता मसाला अपने हिसाब से। तो हम ये देख सकते हैं ये रहा हमारा पास्ता मसाला, कुछ हम इसमें पूरा डाल दिए। और इसको दोस्तों इसको अच्छी से पकने के लिए हम इसमें थोड़ा सा पानी यूज करेंगे, अच्छे से पकने के लिए हम थोड़ा सा पानी यूज करेंगे, ज़्यादा नहीं, इतना सा, ताकि हमारा मसाला अच्छे से पकने वाले हैं। देख सकते हैं ये रहा हमारे पास का, हम इसमें आराम से कोई बात नहीं डाल देना है और हम इसको मिला लेंगे और आँच को थोड़ा हम धीमी कर देंगे ताकि हमारा पास्ता सटे नहीं। इसको आराम आराम से मिला लेंगे, देख सकते हैं दोस्तों अब फैली मेरा बन चुका है। 10 मिनट भुजने के बाद ऑटोमेटिक खाने लोग हो जाएगा पकने के बाद और हमसे खा सकते हैं। दोस्त बन के तैयार हो चुका है, अब गैस बंद कर देंगे, पक के इस तरह तैयार हो जाए तो बंद कर देना है। देख सकते हैं कैसा कलर हो गया, ऐसा ही अपना बना के ट्रायल करें। अच्छा लगा हो तो वीडियो को वॉच करें और घंटा दबाएं, शेयर तो एकदम बिल्कुल ना करें, जिससे कि मेरा इस पास्ता का रेसिपी का अगर पूरा वीडियो देखने तो हमारे चैनल पे जाकर देख सकते हैं, यहाँ पे आपको मिल जाएगा हम कैसे पास्ता बनाए हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। शॉर्ट वीडियो।